हेलो गाइस, आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको जाना है बैकग्राउंड वाले टूल्स के ऊपर। इसके बाद आपको यहां से चूज़ कर लेना है ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ कर लेने के बाद आपको जाना है टूल्स वाले आइकन पे। टूल्स वाले आइकन पे जाने के बाद आपको जाना है रिसाइज वाले ऑप्शन पे। इसके बाद आपको यहाँ से टैप कर लेना है 3000, लिख लेना है आपको वहाँ पे। इसके बाद कर देना है रिसाइज। रिसाइज कर लेने के बाद आपको जाना है फिर से टूल्स वाले आइकन पे और यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है और प्रोटेट मोड कर लेना है और टर्न कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिंपली से ऐड कर लेना है अपने मॉडल के फ़ोटो। मॉडल के फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसके बाद आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन पे। कलर्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको रेड कलर को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। जाना है लेयर्स वाले ऑप्शन पे, 3 डॉट और ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको इसे पूरा बड़ा कर लेना है। पूरा बड़ा कर लेने के बाद आपको इसको कर लेना है डन। डन कर लेने के बाद आपको जाना है प्लस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कर लेना ओवरले। फिर से आपको यहाँ से लेना है एम्प्टी लेयर। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपको फिर से जाना है कलर्स वाले ऑप्शन पे। कलर्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ले लेना है ब्लू कलर। ब्लू कलर को चूज़ कर लेने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है 3 डॉट और ट्रांसफर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसे पूरा बड़ा कर लेना है। आपको इसे अच्छी तरह से पूरा बड़ा कर लेना है। इसके बाद डन कर लेना है और आपको जाना है फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको फिर से ओवरले कर लेना है। ओवरले कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से एंटिटी को अपने हिसाब से अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से ये वाले ब्लू वाले कलर को एडजस्ट कर लेना है। दोनों कलर को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जाना है फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कर लेना है लाइक वाले पीएनजी को ऐड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है ब्लेंड मोड और इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करना है आपको। इसके बाद जाना है इरेज वाले टूल पे और जो फेस में लाइट आ गया है उसे इरेज कर देना है। इरेज कर देने के बाद आपको करना है इस फोटो को सेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।